हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 12 तारीख और आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई हम शुरू करने वाले हैं कुछ देर में। वहां बैठ के आपके लिए व्लॉग अपलोड कर रही है। कोई बात नहीं, करो करो, ठीक है। तो आज पूरे रास्ते पर हमने चढ़ाई करनी है, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। वैसे तो हम सोचेंगे कि जल्द से जल्द पहुंचा जाए ताकि हम वहां जाके रेस्ट भी करें, फोटो भी खींचे, व्लॉग भी बनाएं। चलो वहीं देखेंगे, बाकी चलते हुए आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सफर है वैष्णो देवी का वो स्टार्ट हो चुका है और हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया सबसे पहले और हम निकल चुके हैं। शूज वगैरह प्रॉपरली टाइट करके सबने, हमने चारों ने पहने शूज, ताकि जो हमारा रास्ता है वो हमें आसान रहे। हाँ, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा ऐसा, जो नहीं आए मेरी तरह जैसे फर्स्ट टाइम आए तो उनके लिए आइए कि सबसे पहले हमारा होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और आपको मिलेगा एक आईडी कार्ड सा और आते टाइम को रिटर्न करवाना होता है। तो यहाँ है साथ में मम्मी और पापा की स्पीड तो एकदम 120 की स्पीड में चल रहे हैं पापा, तो पापा भी किसी के नहीं सुनेंगे इस टाइम पे। पापा सबसे आगे आगे, ठीक है। सो आपको बीच बीच में नजारे दिखाते रहेंगे और देखते हैं आज की चढ़ाई में चढ़ पाती नहीं चढ़ पाती। साइड पे जाओ, मेरे लिए चैलेंज है भाई। अच्छा, एक के पीछे का है। हाँ, एक के पीछे का है। भीड़ में थोड़ा व्लॉगिंग में भी वो दिक्कत होती है भाई। ऑटो वाले सब पीछे आ रहे हैं। तो भाई अभी शादी करके जस्ट आए हैं, थकान उतरी नहीं है और हम सीधा चढ़ेंगे चढ़ाई। थोड़ा सा चैलेंज है, ये सब तो तैनात है, मेरे ही देख रहे हैं मुंह कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। और देखते हैं भाई, मुझे भी हो रहा है कि मैं कर लूँ, बस बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो हम पहुंच गए हैं क्या? नहीं, यही है मेन गेट की आगे है, आगे है। बहुत गेट आएंगे ऐसे। ओके, ये लोग तो पहले आ रखे हैं, पर बहुत साल पहले आए थे। कब आए थे? 2010 में। कब? 2010 2010 में दस आए थे ना। तो तब से तो बदलाव हो गया होगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा है ना। तो पहले तो कुछ भी नहीं था इस तरीके का, कुछ भी इस तरीके का कुछ भी नहीं था। बहुत बढ़िया क्या है। ओके, तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे चेंजेस का नहीं पता है। अभी ये लोग पहले आ रखे हैं तो ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत बदलाव हो गया है यहाँ पर। भैया यहाँ का रूल है, पापा अच्छा यहाँ का रूल नहीं है क्या कि अपना? हाँ ठीक है, लेके जाऊंगी मैं। तो गाइस, माता के दरबार में हमारा स्वागत एकदम ढोल ढोल बाजे के साथ हो रहा है। जय माता दी। दोस्तों, भीड़ भी काफी अच्छी खासी हो रही है। ये है न्यू ट्रैक कराची पार्क, ये बिल्कुल सिंपल रास्ता है, यहाँ से लेंगे हम, चाहे लेट हो जाए। यहाँ से लेंगे, ये है रास्ता न्यू ट्रैक पार्क, इधर है। तो हम आए थे ताराकुटोले मार्ग पे, बहुत ही सुंदर मार्ग है ये, देखिए आप। ब्लॉगर प्रिया रावत मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ गई, उसी को ढूंढते हुए मैं जा रहा हूँ। थोड़ा तेज तेज बहुत आगे निकल गई हमसे वो। ये बच्ची मेरे साथ साथ आ रही है, मैं प्रिया रावत को ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रही है, बहुत तेज जा रही है, बैठ भी नहीं रही है कहीं पे, जबकि यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है। बच्चों को देखो कितने मस्ती से आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, जो ये रास्ता है वो दिखी मुझे, अब आपको भी दिख रही होगी, भी जूम करता हूँ, फिर ओझल हो गई। गाइस, जैसे मुझे मिलती है ना मैं उसके पास पहुँचता हूँ, तब आपको लोगों को दिखाता हूँ। 2 मिनट हो गए थे मुझे से, 3 2, हाँ कितने टाइम हो गया, अब मुझे दिखी है।
प्रिया मैम, प्रिया मैम, प्रिया मैम, आज के पेट्रोल पी के आए थे क्या? हैं? पापा ने मेरा बैग उठा लिया ना, पर्स तो हल्का लग रहा है। पेट्रोल पी के आई थी आज? हैं? मैं मुंह बंद करके चल रही था कि सांस ना फूले। मम्मी बोल रहे हो क्या हो गया आज? हाँ अगर वेट करो तो वेट करो, रुक जाओगे थक लगी तो। अभी लगे थक। बढ़िया चल रहा है? गुड यार, बहुत बढ़िया। प्यार से बोलो जय माता दी। गुड। अब मम्मी लोग बताइए कितने दूर होंगे गए। सो गाइस हम लोग काफी 10-15 मिनट हो गए हमको आराम के, मम्मी पापा पीछे से आ चुके हैं और यहाँ पे लेके आए हैं अंकित नाश्ता सैंडविच। पापा जरा इधर टर्न हो जा, इधर घूमो, इधर इधर। पापा ने मेरा पर्स पापा ने मेरा पर्स पकड़ रखा है जिससे मुझे बहुत आराम लगा भाई, हल्की हो गई मैं। अच्छा क्या चाहिए? अच्छा थक लगी? भारी हो रहा ना ये, हो रहा ना चेन लगने रही बहुत चुभ रही इसकी चेन। थोड़ी देर वाईफाई खोला और उससे थक लग गई, कमर में अकड़न हो रही है। नहीं मैं नहीं पीऊंगी। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मैं जूस लेके आ रही हूँ, वो पीऊंगी मैं तो। भैया मिला बोला कहां के, मैंने बोला तो यहां। सो गाइस हम यहां बीच में रुके हुए हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें इस पे देख जो चीनी सुबह नाश्ता नहीं किया, मतलब चाय और पापा बंद लेके आए थे खाए थे, तो हमने अब सैंडविच खाएंगे। आप ये रोटी की बनी है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं फिर चलेंगे दोबारा। लिबरेडी हां, अपने एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं रोटी की, इतनी खुशी होगी कि चीनी रुड़की से आ रखी है खुशी। हमें ये खुशी है कि प्रिया फटाफट भाग रही है, और कोई टेंशन नहीं हो रही है। अरे वो भी उसमें रह गया था। चलो ठीक है, खा के मिलते हैं दोस्तों आपको। हम गरम कर रखा था दोस्तों, अभी हम आधी चाय चल चुके हैं, हम लोग मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा थोड़े पीछे रह गए। तो ये है बेटी, अभी पीऊँ। पहले इसकी शिकायत रहती मुझसे कि आप मुझे कहीं घुमाने ले आते, घुमाने नहीं ले आते। तो कैसा लग रहा है आज पापा घुमाने लेके आया हूँ? ऐसा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दर्शन के लिए आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हम शादी के तुरंत बाद हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मंदिर आए हैं, वो भी वैष्णो देवी माता के मंदिर। और मैं, मेरा एक अलग कनेक्शन है, मतलब एक होता है ना सबका, सब किसी किसी ना किसी को मानते हैं, तो मैं, मेरा जो विश्वास है वो माता रानी में बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है और कभी कमी नहीं होने देती, वैसी मेरा मतलब माता रानी के साथ कनेक्शन है, तो इस चीज़ की तो मुझे बहुत खुशी है। पर भाई मैं भी इंसान हूँ, थकान हो रही है मुझे। हाँ तो घुमा तो लाया ना पर मैं, तो मैंने वैसे ऐसे घुमाने भी, ये तो चलो अच्छी बात है, बट मैं फिर वही मैं वैसे घुमाने बोलती थी, कभी मूवी दिखाने नहीं गई, कभी हिल स्टेशन वैसे घुमाने लेके गए मुझे। मूवी दिखाई, मूवी मैं बोलती थी। अब क्या शिकायत करूँ, घुमाने लायक ना हूं मैं। मतलब शादी से पहले लोग कितना घूमते हैं। अरे शूज दिखा दो, शूज ये मुझे गिफ्ट किया उन्होंने, शूज पहन के, और सॉक्स मेरे पास थी नहीं तो मैंने अंकित की सॉक्स पहन ली पूरा। कोई चक्कर नहीं, सही लग रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हो ना मैं कितनी बदल गई। मम्मी पापा कहाँ गए? चलो तो बैटर उनका वेट करते हैं। हाँ, साथ साथ चलो। कितनी चेंज हो गई हूँ यार मैं। अच्छी लग रही हो, लोग बोल रहे अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। आपको कैसी लग रही? मेरे को तो सुंदर ही लग रही हो, लगती थी, लगती हो, लगती रहोगी। तो ठीक है गाइस, आज हम थोड़ी देर बैठते हैं, पानी पीते हैं, फिर चलते हैं आगे। हेलो गाइस, एक बार हम फिर से एक साथ। तो अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली, कहाँ पहुँचे हम? क्या पहुँचे? ये देखिए गाइस, फाइनल अर्धकुंवारी पहुँच चुके हैं। कैसा लग रहा है? आओ यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो फाइनली मंजिल अब हमारे बहुत पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखो 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 देखो, कैमरे से पास कर दे। हाँ तो फिर कैसा लगा जी चढ़ाई चलने के बाद? यकीन नहीं हो रहा खुद पे कि मैंने किया। मम्मी लोग आ गए हैं, हमें ने पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने 20-25 मिनट रुक के कुछ खाया था बीच में, इस वजह से हम लेट हो गए। हाँ,
पर्सन जिसकी पैंट भी ज्यादा सर कॉफी किसी ने हमारी मेरी पैंट पे कॉफी गिरा दी तो मैंने वो चेंज कर ली है और अब मैंने पहन लिया दूसरी जीन्स बहुत अच्छा मैं लेके आया था है ना। चलो चलते हैं चलो लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस हमको मिल चुके हैं मम्मी पापा और ये दोनों जने बीच बीच में रुक के इतना ठूस रहे इतना खा रहे हैं और हम अलग हैं जब पकड़ रहे हैं कुछ ना कुछ खाई जा ठूसी जा ठूसी जा तीन चार स्पॉट पे रुके ये पहले मैं जूस फिर चाय फिर बताई जा रहे हैं बीच बीच में रुक के हमने पीछे ये खाया था वो खाया गौर से देखो ये शक्लों को गोली वाली शक्लों को सही है एनर्जी भी चाहिए क्योंकि आपको प्रिया दिखाता हूँ कहाँ पहुँच गई है अगर आप उसे नोटिस करो तो ये जो ग्रीन सूट में आगे आगे जा रही है ना ये कितनी दूर निकल गई वो हाँ मंजिल तो हम बहुत पास आ गए हैं और बहुत खुशी हो रही है कितना सुंदर सजाया देखो ओम गं गणपते नमः कितना सुंदर सजा रखा है ये रोपे वाले हैं पता है जो भैरव बाबा के लिए अच्छा अच्छा वाह कितना सुंदर सा रखा है भाई वाह कितना सुंदर लग रहा है देखो फ्लैग पूरा वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर लग रहा है ना बहुत प्यारी डेकोरेशन कर रखी है वो भी फूलों से है वो फ्रेश फूलों फ्रेश फ्लावर्स ये नकली मैं वही देख रहा हूँ हाँ हम आ चुके हैं गेट नंबर 5 जहाँ से हमारी एंट्री थी और ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है इन्होंने कितना सुंदर कैसा लग रहा है क्योंकि हम ऐसे टाइम पे आए हैं आज है विजयदशमी और ये देखो कितना सुंदर सजाया हुआ है तो तब हम दर्शन करके आ चुके हैं वो बात ऐसी थी कि दर्शन करने के लिए आप फोन वगैरह ले जा नहीं सकते हो तो इसलिए हमने वो सब लॉकर रूम में जमा कर दिया था तो हम वापस आ गए हैं जूते वगैरह पहन रहे हैं यहाँ पे ओए जूते वगैरह पहन रहे हैं फिर अभी चलते हैं अभी हमने सब कुछ प्लान नहीं किया कि यहीं रुकना है कि कहाँ चलना है जैसे जैसा होगा हमको बता देंगे तो
काफी देर, एक घंटे की लाइन लगाने के बाद चूंकि कपाट बंद हो गए थे तो हम पहुंच गए भैरव बाबा। अब खुले हैं कपाट, आरती हो रही थी भैरव बाबा की। हाँ हाँ वही है, ठंडा बहुत हो गया। हमने कैप कूप पहन ली है, जैकेट वगैरह सब। पीछे भी देखो रे बैग। हम भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि अब हमारे पूरी रात पड़ी है, रूम वगैरह कुछ अवेलेबल हो नहीं पा रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो हमने सोचा है क्यों ना यहाँ पे बैठ के चाय चुई पी जाए, फिर पूरी रात हमारी है। तो ये लोग देखो क्या कर रहे हो, अंदर है बैठने का, कखो चलता वैसे चाय चुई पीते हैं, सब आगे सफर तय करेंगे। दर्शन जो है वो अच्छे से हो गए और संपन्न हुए एकदम अच्छे से, क्योंकि कहते हैं ना माता के दर्शन अधूरे होते हैं जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना हो, तो बस काम तो नहीं है एकदम। ऐसे ही दोस्तों बयान ही कर सकते हैं, वाह यहाँ बैठते हैं ना। बैठो। हाँ हाँ बढ़िया, हाँ गर्म हो रही तो चलो वहाँ पे हटना, मम्मी पापा चाय कॉफी लेके आ रहे हैं। हेलो गाइस, तो आपको अभी हमने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, पहले हम आपको अपना स्थान दिखाते हैं, हमने क्योंकि यहाँ इतनी शॉर्टेज है रूम्स की और भीड़ की, है भाई, बहुत भीड़ है आज, चूंकि विजयदशमी का दिन था, नवरात्रे चल रहे थे, इसकी वजह से बहुत भीड़ है और ऊपर से सैटरडे संडे वीकेंड भी था। पर दिक्कत अब ये देखो, होटल नहीं मिला, रूम नहीं मिला, कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो भगवान के साथ हमने 10-12 कंबल ले लिए। अब ये देखो हम किस तरह लेटे हुए हैं, और कहाँ लेटे हुए हैं, छत नहीं, ऊपर ऊपर छत भी नहीं है, सीधा ओपन में सीधा, ये तो वो हो गया, ये देखिएगा इस कितना मजा आ रहा है, पर ये भी एक एडवेंचर हमारे लिए अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए भाई, जिंदगी में याद रहेगा हमेशा। पर ठंड नहीं हो रही क्योंकि हमने कंबल अच्छे ओढ़ लिए हैं, हमने तीन तीन दो दो तीन तीन कंबल ऊपर से ऑर्डर किए, दो तीन कंबल नीचे बिछा रखी हैं, सिराने के बना लिए हैं इस वजह से। चलें फिर सोते हैं गाइस, तो मिलते हैं आपको कल सुबह।